हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नेकेड गेमर्स। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं टेनी रोम्स, जो कि एक टाउन मिस्ट्री गेम है, जो कि ये गेम पूरा मिस्ट्री से भरा पड़ा है। तो हम एक इस गेम में एक प्राइवेट डिटेक्टिव, और हमारे फादर ने वर्क दिया है कि जगह जगह जाके हर एक प्लेस का मिस्ट्री सॉल्व करना है। तो चलिए फटाफट से चलते हैं और मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा कि हम एक घर में गए थे, वहाँ पे मिस्ट्री सॉल्व किया तो हमें एक की मिला, तो वो की एक बैंक के लॉकर का है। तो फटाफट से अब हम बैंक जाने वाले हैं और पता करने वाले हैं कि आखिर उस लॉकर में क्या है और किस लॉकर का वो की था। तो हम लोग आ चुके हैं इस बैंक में, तो देख सकते हैं कुछ तो इस बैंक में है गड़बड़ी, कुछ तो मिस्ट्री है। तो इस बैंक के मिस्ट्री को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं बैंक के तरफ, तो बन रहिएगा इस वीडियो के अंत तक, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हम अपने वही पुराने विंटेज लुक वाले मस्टैंग जीटी के साथ आ चुके हैं इस बैंक में, और इस बैंक को देख सकते हैं गाइस, काफ़ी ज़्यादा शानदार बैंक है। इस शहर में तो वैसे कोई रहता नहीं है, पता नहीं ये बैंक क्यों बना हुआ है, कुछ तो मिस्ट्री है बॉस। तो चलिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये एक रोल टाइप का है, मतलब पता नहीं क्या है। तो और तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सामने का गेट जो कि ब्लॉक था, तो शायद साइड से हमें इस बैंक में जाना होगा। फाइनली यहाँ पे रूफ़ का ऑप्शन आ चुका है, यानी कि अब हमें इस बैंक के ऊपर जाना होगा यहाँ से। तो हम लोग आ चुके हैं इस बैंक के ऊपर और देखते हैं क्या मिस्ट्री है। बन रही वीडियो के एंड तक, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है ये, देखते रहना गाइस, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमें एक पता नहीं क्या मिल चुका है, जो भी मिला देखते हैं आगे क्या काम, कुछ तो काम होगा इसका। सेम वैसा ही एक और टुकड़ा मिला है हमें, पता नहीं क्या है भाई सीन इसका। तो यहाँ से हमें एक क्रोबार मिल चुका है, तो भाई पता नहीं यार, देखते हैं क्रोबार कहाँ, शायद यहाँ ज़रूर यूज़ होने वाला है क्रोबार। तो क्रोबार से तो मैंने खोल दिया इसको अब। अच्छा भाई, यानी कि वो जो छोटे छोटे टुकड़े मिले थे उसे यहाँ लगाना होगा, तो इतना आसान तो नहीं है, कुछ ना कुछ लोचा ज़रूर होने वाला है। चलिए देखते भाई, एक और पिन वहाँ पड़ा हुआ है, उसको भी मैंने पिक कर लिया। और देखिए गाइस, क्या मस्त व्यू है इसके ऊपर से, सिटी लाइफ का एक बैनर लगा हुआ है बड़ा सा, और शायद कुछ तो नहीं दिख रहा है कुछ भी, मुझे नहीं लगता है कि और कुछ है इसके ऊपर कोई मिस्ट्री। तो चलिए इस पिन को यहाँ लगाते हैं, और इतना आसान तो नहीं है भाई कि पिन को लगा दो और मिस्ट्री सॉल्व हो गया, कुछ ना कुछ चक्कर ज़रूर रहता है बाबू भैया। चलिए देखते हैं क्या होता है सीन इसमें। तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि इस पिन को ऐसे अरेंज करना है कि ये सारे वायर्स जो येलो मतलब ऑरेंज जो वायर्स हैं उसको कनेक्ट करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी इसको अरेंज करते हैं। तो देख सकते हैं गाइस, स्टार्टिंग से ही मिस्ट्री स्टार्ट हो चुका है, एक पजल टाइप का गेम है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये होने वाला है कि ये जो की है ब्लू की, जिस पे कुछ नंबर मेंशन है, जो कि हमें पुराने जो इससे पहले जहाँ हम लोग विज़िट किए थे एक घर पे, वहाँ से हमें मिला है, और इससे क्या ओपन होने वाला है भाई, चलो देखना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो फाइनली गाइस, यहाँ पे आ रहा लिखा हुआ कि कुछ तो ओपन हुआ है, आवाज़ भी आया कुछ खुलने का, तो शायद कोई दरवाज़ा वगैरह, हाँ ये दरवाज़ा ओपन हो चुका है। तो हम फाइनली, तो यहाँ पे सारे ब्लॉक्ड हैं दरवाजे, कोई भी दरवाज़ा खुल तो नहीं रहा है। चलिए एक दूसरे रूम में हम लोग आ चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ से क्या कुछ हम लोग को मिलता है। सोफ़ा वगैरह घसका के देखते हैं, हालांकि यहाँ से कुछ दिख तो नहीं रहा है, सोफ़ा वगैरह के आजू बाजू भी कुछ नहीं था। एक और यहाँ पे शायद ये मेन रिसेप्शन वाला प्लेस है, जहाँ पे शायद मैनेजर वगैरह बैठता होगा, अभी तो फ़िलहाल कोई नहीं है, इस पूरे सिटी में कोई नहीं है, तो बैंक का तो बात ही हटा दो भाई। यहाँ एक घड़ी है, शायद वो घड़ी कुछ काम का नहीं, घड़ी भी पिक नहीं हो रहा है, उस पर टाइम है 4:45 कुछ ऐसा शो कर रहा है,
तो भाई इसका भी कुछ ना कुछ जरूर चक्कर होगा, क्योंकि घड़ी भी बिना काम का तो देगा नहीं बिल्कुल भी। ये चेयर्स तो गोल गोल घूम सकता है और कुछ नहीं होने वाला इससे। अच्छा भाई, ड्रॉर्स को एक एक ड्रॉर्स को हम लोग चेक कर लेते हैं। ओ भाई कुछ तो मिला भाई ड्रॉर से कुछ तो। अच्छा ये नेकलेस है, पता नहीं भाई ये नेकलेस ड्रॉर में क्या कर रहा था। मुझे तो भाई काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस लगता है। आप लोग कमेंट करके बताना कि ये गेम आप लोगों को कैसा लगता है। तो चलिए देखते हैं इसमें भी कुछ, भाई यहाँ भी कुछ ना कुछ लोचा है, यानी कि यहाँ भी कुछ ना कुछ पासवर्ड यूज़ होने वाला है जो कि हम लोग को खोजना होगा आगे चल के गेम में। तो ओके, तो यहाँ से हमें मिल चुका है एक फोल्डर। तो फाइनली हम लोगों ने दोनों ड्रॉर्स, दोनों तरफ के ड्रॉर्स को चेक कर लिया है। एक जगह से हमें मिला एक नेकलेस और दूसरी जगह से मिला एक फोल्डर। अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तो शायद यहाँ पे और तो कुछ नज़र नहीं आ रहा मुझे, तो फिलहाल यहाँ से निकलना ही बेहतर होगा। मैंने सोफ़ा वगैरह भी खसका के चेक कर लिया है अच्छे से, यहाँ कुछ नहीं है भाई। एक तो वो सिस्टम था, ओ भाई साहब टाइम इज़ मनी, आप देख सकते हो गाइस वो जो वॉल पे ये घड़ी लगा हुआ है, शायद इस पे 4:45 शो करना होगा। एक बार देखते, 4:45 या 55 कुछ तो था भाई, 45 ही था। कुछ ओपन हुआ, आवाज़ आया गाइस। अच्छा तो ये दरवाज़ा ओपन हो चुका है, मतलब देख सकते हो गाइस एक एक चीज़ जो इसमें दिया हुआ है वो बिना मतलब का नहीं है, हर चीज़ में मिस्ट्री है। तो हम लोग आ चुके हैं एक ऐसे रूम में जो अजीब सा दिखता है। यहाँ पे शायद मीटिंग्स वगैरह होता है। एक और रेड फोल्डर मिला हमें। ओ भाई एक की भी मिला जिसके ऊपर WC कुछ तो लिखा हुआ है, और यहाँ पे डिस्प्ले है, डिस्प्ले या फिर कुछ लगा हुआ है जिस पे छोटे छोटे वो जो एक गेम्स हुआ करते थे ना उसका वो साइन दिखा रहा है। और यहाँ पे कुछ तो मिसिंग है इसके ऊपर, ये जो प्लेन के बगल वाला जो खाली स्टैंड दिखा रहा है उस पर क्लिक करने पे लिख रहा है कि कुछ तो मिसिंग है, यानी कि एक और कुछ तो होगा डमी टाइप या प्लेन टाइप ही जो कि मिसिंग है, हमें उसको भी खोजना होगा। ब्लू फोल्डर उठ चुका है, अब देखना ये है कि आखिर ये सब मिलता कहाँ से है। तो फोल्डर्स को तो हमने अरेंज कर दिया, शायद यहीं पे रखना था फोल्डर्स, फोल्डर्स को हमने रख दिया है। लेकिन उसके ऊपर जो छोटे छोटे ड्रॉर्स बने हुए हैं वो अभी भी ब्लॉक्ड हैं गाइस। तो देखना ये है कि शायद उसका भी कोई ना कोई की होगा। यहाँ पे स्क्रीन पे ये 3 लिखा हुआ। ओ भाई एक प्लेन मिला गाइस, चेयर के नीचे एक प्लेन गिरा हुआ था वैसा ही डमी बिल्कुल, लेकिन ये स्क्रीन सेवर है उसका शायद कोई काम नहीं है मुझे जहाँ तक लगता है। तो चलिए इसको अरेंज कर देते हैं। ओके, तो यहाँ लग गया फाइनली, मुझे पता था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मिसिंग है, तो इसको अरेंज कर दिया मैंने। अब पता नहीं गाइस कुछ तो है यहाँ पे जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या और मिस्ट्री है इस गेम में। अच्छा ये की से भी नहीं खुल रहा है गाइस। यहाँ पे ये तो है जो इसके ऊपर जो ड्रॉर्स बना हुआ है वो लॉक है। तो ये नेकलेस, अच्छा चलो नेकलेस तो अपने प्लेस पे आ गया, दोनों तरफ एक जैसा बिल्कुल नेकलेस है पड़ा हुआ, लेकिन एक नेकलेस था वहाँ पे जो मेन रिसेप्शन एरिया था वहाँ पे पड़ा हुआ था। तो कुछ ना कुछ तो मिस्ट्री होगा बॉस, इतना इजी तो नहीं होने वाला है। एक चीज़ मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे जितने फोल्डर्स हैं उसको सेम वे में अरेंज करना है, यानी कि जैसा दूसरी तरफ दिख रहा है वैसा ही इस तरफ भी अरेंज करना है, क्योंकि एक जैसा बिल्कुल दोनों तरफ सजाया हुआ था ये पूरा अच्छे से। एक फोल्डर मिसिंग है अभी भी, रेड कलर का फोल्डर, तो अब हमें उसको खोजना होगा। चलिए फटाफट से चलते हैं और खोजते हैं। एक सेकंड, यहाँ पे कुछ तो है भाई। ये देखो WC करके जो एक रूम है उसका लॉक था भाई ये। चलो फाइनली खुल गया, ये एक बाथरूम एरिया है। ओ भाई फ़ोटो पे क्लिक किया, मुझे लगा फ़ोटो उठेगा तो ये कुछ और ही सिस्टम है। यहाँ भी कुछ मिसिंग है, ये पाइप्स वगैरह है शायद कुछ,
तो वहाँ भी कुछ मिसिंग है, वहाँ भी अरेंज करना होगा कुछ ना कुछ ला के। एक की मिला जो कि यहाँ पे बेसिन के ऊपर रखा हुआ था की, तो की तो पिक हो गया। बाथरूम में भी, ओ भाई साहब देखो, दूसरे बाथरूम में नीचे फोल्डर पड़ा हुआ था। फाइनली मुझे फोल्डर मिल चुका है, अब हम लोग वहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। शायद अब खुल जाए वो, जो भी वहाँ पे था सिस्टम, जो भी सीन था वो शायद क्लियर हो जाए। तो फटाफट से चलते हैं हम उसी रूम में और फोल्डर को अरेंज करते हैं और देखते हैं क्या सीन होता है। तो एक तो फिक्स हो गया कि फोल्डर हमें मिल चुका है, तो ओ भाई क्या सीन है गाइस, ये पूरा टर्न कर गया। मतलब एक सीक्रेट रूम टाइप्स, मतलब रूम के अंदर एक सीक्रेट वॉल था, यहाँ से स्क्रू ड्राइवर हमें पिक हो गया है और यहाँ पे कुछ पासवर्ड्स है जो कि कहीं तो होगा भाई ये पासवर्ड, वो पासवर्ड खोजना होगा। अब देखते हैं कहाँ से मिलता है पासवर्ड, और हो सकता है कि दूसरे तरफ वाला भी ड्रॉअर ओपन हो। अरे भाई यहाँ पे एक टीवी लगा हुआ है गाइस, इसमें देखो ढेर सारे सेफ जो होते हैं ना, जो सेफ्टी वाले जो लॉकर्स होते हैं वो दिखाई दे रहा है। कुछ तो चक्कर है इसका। तो फिलहाल हमें देख, ओके, तो यहाँ से हमें एक लेडर मिला और यहाँ पे पेंट वगैरह का शायद डब्बा है, कुछ तो है यहाँ पे डब्बा डब्बा टाइप का। तो यहाँ से मुझे बस इतना ही मिला, एक लेडर, और इधर बॉक्सेस रखे हुए हैं, शायद बॉक्सेस में कुछ हो। अरे यार ये तो डिस्प्लेस हो रहा है बॉक्स। ओ भाई ये रेड वाला मिला, एक कुछ घुमाने वाला टाइप का है। अच्छा यानी कि हमें दो ये रेड वाले जो हैंडल्स, जो लॉकर्स, जो भी बोल लो इसको, ये मिल चुका है। तो अब हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि ये कहाँ यूज़ हो सकता है। हमें थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करना होगा। जहाँ तक कि बाथरूम में हमें पता था कि बाथरूम में जब हम लोग आए थे तो यहाँ पे पाइप था जहाँ पे कुछ मिसिंग था, तो शायद ये वहीं का होगा। तो चलिए एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं। तो लग जा भाई। ओ भाई फाइनली गाइस ये लग गया है। ओ ये टर्न भी हो रहा है, सीरियसली। तो टर्न कर दिया है मैंने और यहाँ पे टैप ओपन हो गया, लेकिन कुछ तो चक्कर है भाई यहाँ पे, कुछ तो सीन क्रिएट होगा जरूर यहाँ पे, इतना आसानी से नहीं होने वाला है। तो चलिए एक बार शायद देखते हैं उसको, घुमा घुमा के एक बार चेक करते हैं एक एक करके कि शायद कुछ हो, कुछ तो सीन है यहाँ पे मुझे, जो कि समझ में नहीं आ रहा अभी क्लियरली। ये शायद कोल्ड वाटर हॉट वाटर टाइप का कुछ सीन है गाइस, क्योंकि रेड और ब्लू पाइप्स। ओ भाई देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने हॉट वाटर ओपन किया, वैसे ही एक जो यहाँ मिरर बना हुआ था, मिरर पे एक टाइम शो हुआ। तो हमें फिर से इस टाइम को उसी घड़ी पे अरेंज करना होगा। तो चलिए चलते हैं एक बार देखते हैं करके। ओ भाई 59047 ये पासवर्ड आ चुका है, और हमें ये पासवर्ड कहीं ना कहीं तो यूज़ करना होगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि वो जो एक पासवर्ड वाला आया था यहाँ पे, वहीं हमें ये यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं यूज़ करके, क्या पता खुल जाए। और यहाँ पे एक बटन टूटा हुआ है, तो इसमें ये सीन होता है कि जो भी आपको क्लिक करना है उससे एक पहले वाला बटन को क्लिक करना पड़ता है, तभी जाके वो नंबर प्रेस होता है। तो 590 और 47 खुल गया, फाइनली गाइस हमें खुल चुका है और हमें मिल चुका है एक फाइनेंशियल रिपोर्ट जो कि एक सेफ केस में रखा हुआ था, और इस पे कुछ एक पैटर्न सा बना हुआ है, तो कुछ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टाइप्स का है, देख सकते हैं। ये शायद ग्राफ कुछ तो है, 927 करके कुछ ग्राफ पे दिखा रहा है, 9 2 7 8 4 ऐसा कुछ देख सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने ग्राफ पढ़ा भी है स्कूल्स कॉलेजेस में, तो पता है भाई कि ये ग्राफ में नंबर्स लोकेट रहते हैं कुछ ना कुछ। तो गाइस हर जगह यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन के सोचना होगा, तभी आप इसका मिस्ट्री सॉल्व कर पाओगे, वरना तो फिर भाई मुश्किल है। तो शायद देखते हैं इसमें, ओके यानी कि हमें यहाँ पे उस ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है,
तभी शायद खुल सकता है, हमें जहाँ तक लग रहा है इतना ही हमें समझ में आ रहा है। तो चलिए देखते हैं करके, क्या पता कहीं खुल जाए, कुछ तो खुले। तो ग्राफ पे जैसा जैसा उस फाइनेंशियल रिपोर्ट में मेंशन था वैसा मैंने किया और ये एक्सेस इज अलाउड हो चुका है और कुछ ओपन हो चुका है, खुलने का आवाज़ आया कुछ। फाइनली ये सामने वाला गेट खुल चुका है। ओ भाई, ये तो एक जेल टाइप का है यार। अच्छा, कुछ तो यहाँ सीन है। एक येलो की मिला है हमें और न्यूज़पेपर पड़ा हुआ है, न्यूज़पेपर का तो कोई काम नहीं है। और ये जो एक ग्रिल लगा हुआ है ना, इस ग्रिल में भी कुछ ना कुछ मिस्ट्री है। वहाँ पे अजीब सा वो ग्रीन कलर का लॉकर दिया हुआ है जिसको हमें ओपन करना होगा। तो यहाँ शो कर रहा है टू हाई, यानी कि हमें लैडर का ज़रूरत पड़ने वाला है। टू हाई मतलब कि काफ़ी हाई है कुछ तो लैडर का हमने यूज़ किया। और गाइस एक चीज़ देखो, इसके अंदर कुछ पड़ा हुआ है। तो स्क्रू ड्राइवर से खोलते हैं इसको। ओ भाई ये तो, अरे यार, यहाँ एक पूरा का पूरा नंबर गेम टाइप का कुछ पासवर्ड दिया हुआ है और इस पासवर्ड से शायद कुछ तो खुलने वाला है। तो चलिए चलते हैं उस लॉकर में पहले तो, और देखते हैं क्या सीन होता है गाइस वहाँ पे। यही यूज़ होने वाला है पासवर्ड, इतना तो मुझे पता है, लेकिन सीन ये है गाइस कि ये ग्रीन टाइप का है कुछ करके। तो मैं लिटरली बता देता हूँ यहाँ पे केस क्या होता है कि मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करता हूँ गाइस, बहुत ट्राई करता हूँ, हर एक पैटर्न को तोड़ने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि इसमें राउंड घेरा हुआ है, पेन से तो इतना पता था कि उतना ही दूर में है मिस्ट्री कुछ ना कुछ। तो फाइनली मैं मिस्ट्री को क्रैक कर लेता हूँ और वो सेफ को खोल लेता हूँ। तो देखना गाइस, एक एम्प्टी और एक नंबर, ऐसे करके आपको इस पर क्लिक करना होगा तो ये खुल जाएगा। और फाइनली गाइस ये खुल चुका है। नहीं यार, एक और पासवर्ड, पता नहीं अब इस पासवर्ड में क्या होने वाला है और इसका पासवर्ड हमें कहाँ से मिलने वाला है, कुछ नहीं पता। सीरियसली गाइस, एक टाइम में कभी कभी ऐसा फील होता है कि मैं ये गेम खेलना छोड़ दूँ। तो ये येलो की से मैंने ये लॉकर खोला और वहाँ से हमें मिला एक नोट, और नोट पे कुछ अजीब सा पैटर्न बना हुआ है। और इस पैटर्न को भी बहुत देर तक एनालाइज करने के बाद एक पासवर्ड क्रैक होता है। तो शायद इसका पासवर्ड उस लॉकर का हो सकता है। तो चलिए देखते हैं उस लॉकर में डाल के कि क्या ये खुलता है या फिर नहीं खुलता है। बहुत देर माथा पच्ची के बाद जाके ये क्रैक हो पाता है कि इसका पासवर्ड क्या होगा। तो अगर आप लोग ये गेम खेलते हैं तो आप लोग बार बार वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं कि कौन सा चीज़ कहाँ से मिलने वाला है और क्या पासवर्ड हो सकता है, अगर आप लोग को समझ में नहीं आता है तो। तो चलिए फटाफट से देखते हैं, अब इसका पासवर्ड डालते हैं और देखते हैं कि खुलता है या नहीं। खुल चुका है गाइस, कुछ तो आवाज़ आया खुलने का, शायद कुछ तो सीन है यहाँ पे, कुछ तो खुला है। ओ भाई, अंदर ये एक बड़ा सा सेफ ये पड़ा हुआ है गाइस, देख सकते हैं शायद जहाँ पे गोल्ड्स वगैरह। ओ भाई, याद करो गाइस, वो टीवी स्क्रीन पे जो डिस्प्ले कर रहा था वो यहीं का था, यहीं पे सारे लॉकर्स पड़े हुए हैं और ये की शायद यहीं यूज़ होने वाला है। तो देखते हैं कि आखिर इस की से क्या खुलता है। यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं, एक ब्लूप्रिंट है यहाँ पे कॉर्नर में। चलिए देखते हैं ब्लूप्रिंट में, शायद यहाँ से पता चल जाए कि ये की किस लॉकर का है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें एक एरिया बताया हुआ है कि यहीं इतना ही दूर में ये की का लॉकर है। तो चलिए हम ट्राई करते हैं एक एक करके। तो भाई खुल जाए यार, फाइनली गाइस एक एक मैं बहुत ट्राई किया था तो ये खुल चुका है। मुझे ब्लूप्रिंट उतना समझ में नहीं आ रहा था। हमें मिल चुका है एक चेक जो कि पीटर स्टोन का कुछ करके है, और $50,000 का ये चेक है गाइस, जो कि एक चर्च के द्वारा इशू किया गया है। मतलब
क्या ही सीन है गाइस। अब हमें ये पता करना होगा कि आखिर उस चर्च का क्या सीन है इस $50,000 से, क्या रिलेशन है। तो अब तो गाइस क्लियर हो चुका है, इस बैंक मिस्ट्री को मैंने सॉल्व कर दिया है। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मिस्ट्री था। अब हमें जाना है नेक्स्ट मिशन में इस चर्च पे और वहाँ जाके इन्वेस्टिगेशन करना है कि आखिर क्या सीन था। $50,000 का जो भी सीन था हमें क्लियर करना होगा। सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने पूरा बैंक को खंगाला, वहाँ से हमें जो मिला मतलब $50,000 का जो चेक मिला, अब उस चेक का मिस्ट्री सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग जाने वाले हैं चर्च और वहाँ सॉल्व करने वाले मिस्ट्री को। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय, टेक केयर गाइज़।